Hello everyone, welcome to my new YouTube channel Trending Isles, and today I am going to share with you a new cue card from the list, and that is describe a long walk you ever had. And the cues for this cue card are when this happened, where you walked, who you were with, and explain how you felt about this walk. एक लंबा वॉक जहाँ पर आप गए हो उसको एक्सप्लेन करना, कब आप गए, कहाँ पर आप गए, एंड किसके साथ थे उस टाइम आप, और एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस वॉक, और आपने कैसा फील किया उस वॉक के बारे में. सो द सैम्पल आंसर फॉर दिस क्यू कार्ड इज वेल गोइंग फॉर अ वॉक एट द क्रैक ऑफ डाउन ब्रिंग्स न्यूमरस बेनिफिट्स फॉर एवरीवन. क्रैक ऑफ डाउन इज एडियम ओवर हियर व्हिच मींस वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. तो कहते हैं कि जाना मॉर्निंग वॉक पर बहुत जल्दी हमारे लिए न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स लेकर आता है हर एक पर्सन के लिए. इट हेल्प्स अस टू कीप आवर बॉडी एज फिट एज फिटल मीन्स टू बी वेरी हेल्थी एंड स्ट्रांग. ये हमारी बॉडी को स्ट्रांग और हेल्थी बनने में हेल्प करता है. क्या मॉर्निंग वॉक. I am an early bird and usually go for walk in the morning. An early bird means जल्दी उठने वाला person. मैं जल्दी उठने वाला person हूँ और usually go for walk और ज़्यादातर morning walk में जाता हूँ. Whereas 2 years ago, इसके उल्ट 2 साल पहले I had to walk for about 4 miles. मुझे walk पर वॉक करना पड़ा 4 miles का, that I cannot still forget, जो मैं अब तक भी नहीं भूल सकता. And next is actually at that time my family and I went to see Satbir U in Chandigarh. उस टाइम पर हम Satbir U देखने के लिए चंडीगढ़ गए थे. After taking entrance tickets, we were have an option that we want to go on electric rickshaw or on foot. हमने जब entrance की tickets ले ली उसके बाद हमारे पास 2 options थी कि हम रिक्शो पर जाना चाहते हैं या फिर हम पैदल जाना चाहते हैं. We decided to have a walk around the U. तो हमने decide किया कि हम walk ही करेंगे. While walking, we saw various kinds of animals and birds. वॉक करते टाइम हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स को देखा. इन यू वी वॉक्ड ऑलमोस्ट 4 miles. हमने जू में ऑलमोस्ट 4 miles तक चला. एंड आई नेवर हैड दिस काइंड ऑफ वॉक लॉन्ग वॉक बिफोर इन माई लाइफ. और मैंने इतना ज्यादा लंबा वॉक अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं किया. अर्लियर आई वॉज अनअवेयर दैट द यू कवर्स अबाउट 200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. पहले मुझे नहीं पता था कि इतनी ज्यादा लैंड को यू कवर करता है, मतलब इतना ज्यादा बड़ा फैला हुआ है. Although we felt tired while walking, चाहे हमें टायर्ड फील हो रहा था. ये आपका 4th क्यू का आंसर है, कैसा फेल्ट हुआ, टायर्ड फील हुआ आप लोगों ने, येट आई एंजॉयड. इसके अलावा आपने एंजॉय भी किया अ लॉट ड्यू टू वेरियस रीजन, डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन की वजह से. कौन सी रीजन है वो बच्चे. फर्स्टली आई हैव नेवर सीन एनिमल्स विद नेक्ड आईज इन माई लाइफ. पहले मैंने कभी भी अपनी आंखों से रियल एनिमल्स को नहीं देखा. हाउएवर इन द जू आई सॉ 38 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स इन रियलिटी. इसके अलावा यू में मैंने 38 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स को रियलिटी में देखा. And secondly, the atmosphere of that time was very pleasant. उस time पर atmosphere काफी अच्छा था. During my walk, I took the photographs of animals that are still in my laptop. Walk के during मैंने photographs क्लिक की animals की जो अभी तक मेरे laptop में है. Moreover, due to long walk, I felt hungry. इसके अलावा काफी ज्यादा walk करने के बाद मुझे क्या हंग्री फील हुआ. सो वी बॉट स्नैक्स फ्रॉम कैंटीन ओवर देयर. तो हमने स्नैक्स खरीदे वहां से कैंटीन से. अराउंड 4 or 5 hours लेटर, जब 4 or 5 hours लेटर वॉक करके जब बाद में व्हेन वी केम आउट ऑफ द यू, जब हम वापिस आए जू से, वी वर हार्डली एबल टू मूव. हम डिफिकल्टली चल पा रहे थे. सो दैट वॉज द टाइम वेन आई हैड अ लॉन्ग वॉक विद माई फैमिली. सो ये टाइम था जब मैंने लॉन्ग वॉक किया अपनी फैमिली के साथ. और इसमें हमने बच्चे पूरे अपने क्यूज को क्लियर कर लिया है. वेन दिस हैपन अबाउट 2 years अगो, ठीक है. वेयर यू वॉक्ड, कहां पर वॉक किया, इन द जू में वॉक किया. हु यू वर विद, किसके साथ थे आप, फैमिली के साथ थे. हाउ यू फेल्ट, उसमें हमने कह दिया ऑल्दो वी फेल्ट टायर्ड बट येट आई एंजॉय अ लॉट ड्यू टू वेरियस रीजंस. वेरियस रीजंस की वजह से फिर भी हमने इंजॉय किया. और सो बच्चे आई होप यू लाइक माई वीडियो. सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, एंड इफ यू वॉन्ट दैट आई विल मेक एनी अनदर वीडियो. सो प्लीज कमेंट. थैंक यू.